मैं मुख्यमंत्री को देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। हाँ मेरे क्षेत्र में कोई ना बीजेपी का ना कोई वो सुन लेना मेरी बात। आज कह रहा मैं तुमसे, मैं कभी नहीं बात करता हूँ। मैंने एक दो बीजेपी के टेंडर कराने में तुम्हारी बात करा, मैंने कैंसिल करा दिए। कुछ दिनों पहले याद है आपको, जब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में है वहां पर एक पत्र भेजा जाए कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल सिखाया जाए। विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। शायद समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से एकेडमी जो मसूरी में है वहां एक पत्र लिखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाई कराते हैं साथ ही साथ प्रोटोकॉल भी सिखाया जाए इन अफसरों को। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उत्तराखंड में एक ऐसी पाठशाला खोली जाए जहां पर विधायकों को मर्यादा सिखाई जाए। ये इसलिए भी खोलना जरूरी है ताकि विधायक सड़कों पर गुंडागर्दी न करें और किसी को गाली गलौज न करें, फोन पर धमकियां न दें और अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। इन दिनों द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट का ऑडियो और वीडियो दोनों जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के जो सचिव हैं उनके घर में जाकर गाली गलौज करते हैं और उससे पहले वो फोन पर उनसे खूब गाली गलौज करते हैं, जिसका ऑडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बार आप इस ऑडियो को सुनिए। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, और क्या हाल है? आपका आशीर्वाद है सर। मैं माननीय विधायक जी के साथ बैठा था। हाँ बताइए। और जी को आपकी याद आ गई थी, मेरे साथ सर से बात कराता हूँ। हेलो। हाँ नमस्कार प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, मैं ठीक है सर, बढ़िया। तुम्हारे इंटरव्यू कट लगा दिया सुबह में क्या इंटरव्यू डायरेक्ट डायरेक्ट वो अपॉइंट करने है? अभी तो शायद नहीं, पता नहीं क्या चल रहा होगा प्रोसेस। हाँ होने वाला है, होने वाला है। प्रोसेस होने वाला है। हाँ शायद एक काम कर लेना, तुम मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। हाँ मेरे क्षेत्र में कोई ना बीजेपी का ना तो ना कोई वो सुन लेना मेरी बात। आज कह रहा मैं तुमसे, मैं कभी नहीं बात करता हूँ। मैंने एक दो बीजेपी के टेंडर कराने में तुम्हारी मैंने कैंसिल करा दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी काम होगा, कोई भी वो होगा, मेरे संज्ञान में यदि तुम यही लाओगे तो फिर मेरे लिए दिक्कत का प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, हम आपके संज्ञान में क्यों नहीं लाएंगे? मेरे संज्ञान में जरूर लाना है, नहीं तो किसी का टेंडर लगाओ मैं कैंसिल करा दूंगा। मैं तुम मेरे को नहीं जानते हो, मैं बहुत मैं दूसरे टाइप का विधायक हूँ, मैं इन चीजों में बहुत वो रखता हूँ। लेकिन ये भी बीजेपी वाले ज्यादा उस सदन की मैं मुख्यमंत्री को देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। लेकिन मेरे राज में ये है, मेरा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री इस दौराट का मैं हूँ। मैं गांडू मुख्यमंत्री पंथरी या कोई मुख्यमंत्री का दल्ला चमचा ये वो मेरे उसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ी तंत्री को बता रहा हूँ। मैं ठाकुर का आदमी हूँ, मैं किसी से 10 रुपए अभी तक तो ऐसा है नहीं कुछ भी इस तरीके का। 10 रुपए नहीं और ना मैं 10 रुपए का, लेकिन मेरी मान सम्मान में कई कमी आ जाएगी तो मैं सरकार की भी मैं आज कह रहा हूँ तुमको इस बात को। ठीक है, कोई भी बात होगी, कोई भी चाहे मेस के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़े कुछ हो कुछ हो, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। हेलो, आपने मेस के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है? अभी तो वो गया है शासन में, अब पैसा बढ़ेगा तो हम भी बढ़ा देंगे अपने तरीके से, लेकिन अभी तो कोई शासन में गया है शासन में। तुमको आज बता रहा हूँ, तुम मेरे भाई हो, ठाकुर आदमी हो, सुन लो मेरी बात। सुन लो मेरी बात, मैं तुमको इससे प्यार करता हूँ, तुम ठाकुर आदमी हो, सुन लो। लेकिन मेरे मेरे क्षेत्र में मेरे बिना मेरे उससे कोई मुख्यमंत्री हो कोई मंत्री हो या हमारे आदमी हो तो छोड़ दो, सुनो तो मेरा ऐसा है। लेकिन कोई भी बात हो तुम मेरे संज्ञान में जरूर डालो। ठीक है ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो आप हम तो ऐसा कोई वो नहीं है, आप लोगों को ये आप उसकी वो मत करिए। नहीं नहीं, कोई भी टेंडर डाले कोई कुछ करे ना, देखिए वो आपको सब पता चल जाएगा। वो मैंने रजिस्ट्रार को
मैंने रजिस्ट्रार को गांडू को बिजनेस से फंसा दिया, वो आज तक जेल में, अब रजिस्ट्रार जिताया क्या, मैंने फंसाया उसको। ऐसा न, ऐसा मैं दिल्ली वाला ही ठीक है, वो तो सब आपसे मैं मिलूंगा। आप कहाँ हैं आजकल? मैं लेकिन ये कहे कि ये मुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं। आप हैं कहाँ? मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं आजकल? आप यही है बराहट। आप मेरी बात को एक चीज करना, आपकी नौकरी करनी है, आप नौकरी पेशे वाले लोग। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम ठाकुर आदमी हो। आप कहाँ हैं अभी? लेकिन कोई भी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बात होगी तो मैसेज जरूर फोन कर। ठीक है, ठीक है। विधायक का जब वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आधी रात को सचिव के घर पर जाते हैं, वो हमने आपको दिखाया था, जिसके बाद हमने विधायक से बात की थी, तो विधायक का कहना है कि विधायक जो अधिकारी है वो उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन जब विधायक गाली गलौज करे तो कोई फ़ोन कैसा उठा सकते। ये ऑडियो आपने सुना, इसको लेकर आपका क्या कहना, आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। क्या विधायक को ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है या नहीं देता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।